सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आप बाहरी कारणों को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर इससे आपका ध्यान विचलित नहीं होना चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो करते रहें जो आपको करते रहना चाहिए। हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करते वक्त सिर्फ दो सोच रखनी चाहिए, अगर रास्ता मिल गया तो ठीक, नहीं तो रास्ता मैं खुद बना लूंगा। सफलता खुशी का कारण नहीं है, बल्कि खुशी सफलता का कारण है। आज का पंचांग 11 अगस्त 2021 दिन बुधवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, सम 4:54 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 9:32 तक रहेगी। इसके उपरांत फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:31 से 2:08 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा सिंह राशि पर दोपहर 3:23 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। मेष राशि 11 अगस्त 2021 दिन बुधवार, आज आप किसी भी अच्छे बुरे तरीके से अपने लक्ष्य पा लेने के मूड में हैं। काफी समय तक कल्पनाओं पर रहने के बाद आपको आज अपने ग्रहों की बदौलत काफी आत्मविश्वास का अनुभव होगा। आप अपने मानसिक प्रवृत्ति के आधार पर फैसला ले सकती हैं, यकीन मानिए वे सही ही साबित होंगे। अपने कामों को पूरी निष्ठा से करें। बेहतरीन ग्रह गोचर बना हुआ है, आपको अवश्य ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। भूमि अथवा वाहन की खरीद बिक्री संबंधित कोई योजना बन रही है तो उसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का भी प्रोग्राम बन सकता है। दिन की शुरुआत में कुछ नकारात्मक बातें घटने की वजह से आपके अंदर भी थोड़ी नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती है। दिन भर बेचैनी और चिड़चिड़ापन महसूस होगा। गुस्से में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से बचें। लोगों के साथ बात करते समय गुस्से पर काबू रखें। काम से संबंधित बातों की बेकार की चिंता बनी रहेगी। काम को ठीक से करने पर पूरा ध्यान देना होगा। जिस व्यक्ति के प्रति आपको आकर्षण महसूस हो रहा था वह थोड़ा कम हो सकता है। इस कारण आप रिलेशनशिप से संबंधित बातों पर फिर से प्रश्न उठाएंगे। गलत खान पान के कारण सेहत संबंधित थोड़ी बहुत तकरार रह सकती है। सावधानियां, घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय उन्हें उचित इलाज की जरूरत है। बच्चे तथा युवा वर्ग अपने लक्ष्य को आंखों से ओझल न होने दें। खरीदारी करते समय अपने बजट का भी ध्यान रखना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। प्रेम प्रसंगों से दूरी बनाकर रखें। आप अपने पार्टनर के किसी काम भाव गंभीरता से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अगर आप अंतरंग डिनर आदि पर जाते हैं तो आज भी ऐसे ही एक जिम्मेदार लेकिन पारिवारिक डिनर पर जा सकते हैं, जिनमें सारे परिवार को एक साथ होने का मौका मिल सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो इस काम भाव गंभीरता से आपको उनके बारे में नई बातें जानने और इसके आधार पर भविष्य का फैसला लेने में मदद मिलेगी। बात करते हैं करियर की। आपकी आय और करियर को प्रभावित करने वाले ग्रहों के बीच का गठबंधन अब अपनी मजबूत केंद्र बिंदु पर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने करियर के लिए अपने समय ऊर्जा से कार्य करते हैं तो आपकी जमा राशि को बढ़ावा मिलेगा। आप में ऐसी ऊर्जा और क्षमता है कि आप और अधिक कार्य करके अपनी आय में और सुधार ला सकते हैं। व्यवसाय में कोई भी निर्णय लेते समय घर के बड़े बुजुर्गों का सहयोग अवश्य लें। उनका मार्गदर्शन आपके लिए सहायक रहेगा। इस समय इनकम की स्थिति मध्य रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के अधिकारियों से संपर्क मधुर रहेंगे। बात करते हैं सेहत की। दैनिक रूटीन में स्वास्थ्य कर आदतें शामिल करने का समय आ गया है। संकल्प लें कि आप एक महीने में सारे स्वास्थ्य कर आदतें अपना लेंगे। अगर इनमें सफल हो गए तो इसे करते रहें जब तक कर पाए।
लेकिन शुरुआत में इसे लेकर खुद पर अधिक बोझ न डालें। एक सुझाव यह भी है कि अधिक पानी पिए, कोशिश करें कि हर रोज कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिए। आज का उपाय, आज अपन मान भगवान जी को सिंदूर चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।